हाय एवरीवन, सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे ऑर्डर टू, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में। रूल वन ऑर्डर टू का ये कहता है कि सूट फाइल करते टाइम प्लेंटिफ को अपने सूट में वो सारे ग्राउंड्स लेने चाहिए सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, ताकि उस सेम सब्जेक्ट मैटर पे फर्दर लिटिगेशन ना हो। नाउ नेक्स्ट इज रूल टू। रूल टू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ऑर्डर टू। ये कहता है कि सूट फाइल करते टाइम प्लेंटिव वो सभी क्लेम इंक्लूड करेगा अपनी प्लेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट। लेकिन प्लेंटिव अगर चाहे तो कोई क्लेम रेलिंक्विश भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है किसी पर्टिकुलर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए अपना सूट। फॉर एग्जांपल, सपोज बंटी को चिंटू के अगेंस्ट 5 लाख का रिलीफ क्लेम करना है। अब बंटी के घर के पास जो कोर्ट है उसकी पेक्यूनरी लिमिट है 3 लाख तक की, तो बंटी क्या करता है उस कोर्ट में ही अपना 3 लाख का क्लेम फाइल कर देता है और 2 लाख का रेलिंक्विश कर देता है। तो अब रूल टू ये कहता है कि बंटी अपना पार्ट ऑफ क्लेम रेलिंक्विश तो कर सकता है, लेकिन रेलिंक्विश्ड क्लेम के लिए बंटी बाद में फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता। रूल टू इज लाइक छोटा भाई ऑफ रेस जुडिकाटा। लेकिन रूल टू के सब रूल थ्री में कहा है कि अगर कोई पार्ट ऑफ क्लेम कोर्ट की परमिशन लेके रेलिंक्विश किया है प्लेंटिव ने, तो बाद में उस क्लेम के लिए फ्रेश सूट भी फाइल कर सकता है प्लेंटिव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 2017 में बंटी ने चिंटू को दुकान किराए पर दी एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब चिंटू ने किराया 2017 में तो दिया, लेकिन ना उसने 2018 में दिया, ना 19 में दिया, ना 20 में दिया। तो बंटी 2021 में एरियर ऑफ रेंट के लिए कोर्ट में सूट डालता है अपना, लेकिन वो बस 2018 के लिए ही रेंट क्लेम करता है। तो रूल टू कहता है कि बंटी बाद में 2018, 19, 20 के रेंट के लिए फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता। लेकिन साथ साथ रूल टू ये भी कहता है कि अगर बंटी ने परमिशन ली होगी कोर्ट से कि वो बस 2018 के रेंट के लिए ही अभी सूट फाइल करेगा, तो वो बाद में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे भी सूट फाइल कर सकता है। बेसिकली रूल टू का मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट से बचना और सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फर्दर लिटिगेशन से बचना। इफ देयर इज अ सिंगल कॉज ऑफ एक्शन then all claims related to it should be claimed in one suit. अब रूल टू के कुछ केस लॉज देखते हैं। पहला है अलका गुप्ता वर्सेज एनके गुप्ता। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर टू का रूल टू डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन पे सेकेंड सूट बार नहीं करता, सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे करता है। अब नेक्स्ट है गुरुबख्श सिंह वर्सेज भूरा लाल। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशन बताई थी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ऑर्डर टू का रूल टू अप्लाई होगा। पहली कंडीशन है सेकंड सूट अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट इज अगर इस कॉज ऑफ एक्शन से एक से ज़्यादा रिलीफ बनते थे प्लेंटिव के, लेकिन उसने बस एक ही रिलीफ क्लेम किया है वो भी बिना कोर्ट की परमिशन के, तब भी सेकेंड सूट बार होगा। एंड लास्ट इज अगर पहला सूट मेरिट पर डिसाइड हुआ है तब तो सेकेंड सूट होगा ही बार सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे। अब ऑर्डर वन लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट जॉइंडर ऑफ पार्टीज। नाउ रूल थ्री ऑफ ऑर्डर टू टॉक्स अबाउट जॉइंडर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अब रूल थ्री कहता है कि प्लेंटिव एक ही सूट में एक से ज़्यादा कोर्स ऑफ एक्शन भी ज्वाइन कर सकता है अगेंस्ट सेम डिफेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बंटी को चिंटू के अगेंस्ट एरियर ऑफ रेंट का भी सूट फाइल करना है और डिफेमेशन का भी। अब यहाँ दो कोज ऑफ एक्शन है, बंटी को अलग अलग सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बंटी एक ही सूट में डिफेमेशन का भी और रेंट का भी दोनों का साथ में कर सकता है। अब रूल फोर कहता है कि अगर आपने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया है उसके साथ आप कोई कोज ऑफ एक्शन नहीं ज्वाइन कर सकते बिना कोर्ट की परमिशन के, सिर्फ 3-4 मैटर्स को छोड़ के, जैसे मीन प्रॉफिट या एरियर ऑफ रेंट से रिलेटेड, या फिर अगर आप डैमेजेस क्लेम करते हो रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है। और लास्ट में ये फोरक्लोजर और रिडेम्पशन को छोड़ के, अगर आप रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल कर रहे हो तो बिना कोर्ट की परमिशन के कोई और कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन नहीं कर सकते। और रूल सिक्स में ये कहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन होने से ट्रायल में डिले हो रहा है या किसी तरह की इनकन्वीनियंस हो रही है तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकती है। अब रूल सेवन कहता है कि अगर किसी पार्टी को कोज ऑफ एक्शन ज्वाइन करने से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे रेज करनी होगी इशू के सेटलमेंट से पहले। अब अगर उसने ये जब नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने ऑब्जेक्शन वेव कर दी या रेलिंक्विश कर दी।
अब ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं ऑर्डर 2 से रिलेटेड, इनका आंसर आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।